सर। इस स्टेशन में मैं बहुत दिनों तक ड्यूटी करूंगा। सर सर सो वेलकम टू कोल्हापुर पुलिस स्टेशन सर। थैंक यू। यही आप करूं मैं सर, प्लीज सर आइए बैठिए। इस बार मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, टिकने के लिए आया हूँ सर। आई मीन मैं यहाँ बहुत दिनों तक रहना चाहता हूँ। सब कुछ रेडी है? सब रेडी है सर। रेडी है सर, साइन कर दीजिए। लॉक करो इसे। थैंक यू सर। सर ये लीजिए। सर। अच्छा रियाज, इस एरिया में हफ्ता कैसे वसूलते हैं? सर डिपार्टमेंट में आप एक ईमानदार ऑफिसर है, ऐसा सुना था मैंने सर। डिपार्टमेंट का डर होगा तभी तो हफ्ता ज्यादा मिलेगा ना। इस एरिया में भीड़ा राजा नाम का एक बहुत बड़ा आदमी है। ओके, मैं जाके उसे मिल लेता हूँ। सर आप पहली बार भीड़ा राजा से मिलने जा रहे हैं, एक माला लेकर जाएंगे तो वो बहुत खुश हो जाएगा सर। एक माला भीड़ा राजन के लिए? हाँ सर, पहना देंगे। बहुत देर कर दी इसे यहाँ लाने में, बहुत इंतजार कराया। छोड़ो मुझे, छोड़ो। कहाँ जा रही हो? सर जा। क्या कर रहे हैं? क्या हुआ? सर मेरे पति इस एरिया के आरटीओ ऑफिसर है, फोर्सफुली मुझे यहाँ बुलाकर टॉर्चर कर रहा है सर। मुझे और मेरे पति को बचा लीजिए सर। बोलो, तू ही यहाँ का नया ऑफिसर है क्या? जब बड़े इंसान से मिलने आते हैं तो अपॉइंटमेंट लेके आना चाहिए, पता नहीं है क्या? जहाँ मर्दों वाले काम होते हैं वहाँ घर की औरतों का क्या काम? ठीक हो ना? फिर से डरावना सपना देखा क्या? हाँ देखा, बहुत ही भयानक सपना था। ये ले पानी पी ले। ये भूतों का डॉक्टर इसका इलाज करेगा। ओम शांति। ओम नमो भगवते रूरू भैरवा। भूत प्रेत शय गुरु गुरु हूं सच्चा। ओम रीम रीम ओम लक्ष्मया। देखना सब ठीक हो जाएगा। ये था जेल भय मुक्ति मंत्र। डरावने सपनों से निजात पाना हो तो सोने से पहले इन मंत्रों का एक बार उच्चारण कर लेना। वैसे आप तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त लगते हो, लगता है एक ही केस में अंदर हुए थे। झोल सबने अलग अलग किया है लेकिन किस्मत से एक ही टाइम पे इधर पहुंचे, जेल में ही दोस्ती हुई। ओ अच्छा सरवन, अब सो जाओ ठीक है? आओ डॉक्टर। चलिए भाई तांत्रिक जी। आप भी सो जाइए। माफ करना अंकल, मेरी वजह से आपकी नींद खराब हो गई। मुझे तो सोए एक अरसा हो गया। क्यों? जब तक मैं महारानी मंगम्मा की आवाज न सुनूं, नींद ही नहीं आती। क्या कहा, सच में महारानी है? हाँ बिल्कुल है। नागमती के साम्राज्य में मैं मंगम्मा देवी का सेनापति था। तो फिर जेल में कैसे आ गया? करीब 7 महीने पहले रानी मंगम्मा के महल में कुछ सरकारी अधिकारी आए थे उनके राजमुकुट को लेने के लिए, जिसे उन्हें साउथ अफ्रीका के एग्जीबिशन में दिखाना था। नमस्ते सर। नमस्ते। क्या आप ही नागामती महल के सिक्योरिटी इंचार्ज हैं? हाँ मैं ही हूँ। हम भारत के टूरिस्ट डिपार्टमेंट से आए हैं। लेकिन किस लिए? सरकार ने हमारे देश की भव्यता को विदेशों में दिखाने का फैसला किया है। साउथ अफ्रीका में एक प्रदर्शनी लगने वाली है जिसमें भारत के राजाओं के गौरव को प्रदर्शित करने का फैसला किया गया है, और इसलिए रानी मंगम्मा देवी के सर के ताज और उनकी शाही छड़ी को तुरंत हैंड ओवर करना होगा। क्योंकि इस महल का उत्तरदायित्व आपके ऊपर है, इसलिए सरकार ने ये आदेश दिया है कि आप वो मुकुट और छड़ी तुरंत हमें लाकर सौंप दें। इसे संभाल कर रखिए,
बेहतर होगा कि इतनी रात को आप लोग ऐसी जगह ना जाएं जहां हजारों लोग मारे गए हैं। ये मंगम्मा देवी का महल है जो पूरे देश पर राज करती थी। मैं बता दूं कि महल में रखी हर एक चीज पर सिर्फ रानी का ही हक है। उन चीजों को चुराने के लिए बहुत बार कोशिशें की गई पर सभी भयानक मौत मरे। इसी वजह से यहाँ के कलेक्टर ने इस महल के पूरे परिसर को एक वर्जित स्थान घोषित किया था। कलेक्टर के आदेश को हम मना नहीं कर सकते ना। ऊपर से इतनी रात है तो वहाँ जाना ठीक नहीं। जाना ही होगा, और कोई रास्ता नहीं है। हर हाल में कल सुबह 6 बजे की फ्लाइट पकड़नी, तभी एग्जीबिशन के पहले अफ्रीका पहुंच पाएंगे। रानी के शाही मुकुट और उनकी छड़ी को दुनिया से आए बड़े बड़े लोग देखेंगे, इससे उनकी शौहरत पूरी दुनिया में फैलेगी। सही कहा, नाम रोशन होना ही चाहिए। महारानी के शौर्य की कहानियां पूरे विश्व में फैलनी चाहिए। आइए। ये कैसी गंध है? आसपास केवड़े के फूल हैं क्या? इतनी रात को केवड़े का खिलना शुभ संकेत नहीं है। सालों से मैं यहाँ रहा हूँ, ऐसी खुशबू मैंने कभी महसूस नहीं की। लगता है नाग हमारे आसपास ही है। महल का दरवाजा खोलना बेवकूफी होगी। अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए। हम कल सुबह आकर वो मुकुट ले लेंगे। अभी यहाँ से चलते हैं। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, यह सरकारी ऑर्डर्स है। दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, दरवाजा खोलिए। जैसी आपकी इच्छा। नागमती का महल बहुत विशाल है। इसमें कुल 16 प्रवेश द्वार हैं। शत्रु चाहे किसी भी रास्ते से यहाँ घुसे, वो यहाँ से जीवित नहीं जा पाता। महारानी मंगम्मा देवी की जय हो। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। यही है महल की महारानी। ओ, इस महान साम्राज्य की स्थापना इन्होंने की। आइए चलते हैं। ये रास्ता कोषागार में जाता है, अंदर आइए। देवी नागमती का खजाना है, जिसे उन्होंने प्रजा की सेवा के लिए बरसों से संभाल कर रखा है। हे, एक फर्जी लेटर पर तूने भरोसा कर लिया? हिलना मत, गोली मार दूंगा। कौन हो तुम लोग? क्यों रे सेनापति, अपनी रानी को मशहूर करने का सपना देख रहा था ना? बेवकूफ बन गया, खुद ही हमें तू खजाने तक ले आया। हमसे होशियारी करेगा। अरे भागो यार, निकलो निकलो। ओह माय गॉड, निकलो यहाँ से। रास्ता कहाँ है? अब किस तरफ जाएं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। जल्दी चलो यहाँ से। नागा, पीछे हटो। महारानी, इनसे दूर रहना। हाँ।
ये साम्राज्य के सेनापति चौकन है, इन्हें छूना भी मत। जाओ। चौकन। महारानी, सांप के डसने से मेरी मौत हुई। इस देश की महारानी मंगम्मा हूँ मैं। महारानी आप? अपनी नाग सेना के साथ वर्षों से इस राज्य और महल की रक्षा करती आ रही हूँ। बिना मेरी अनुमति के इंसान तो क्या, हवा भी इस महल में दाखिल नहीं हो सकती। आपको प्रणाम है महारानी। महारानी, रानी, महारानी, रानी, महारानी, महारानी, रानी, महारानी, 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 तो इसका मतलब रानी मंगम्मा देवी नागमती महल के अंदर है और उसकी आत्मा आज भी भटक रही है। इस पर कौन यकीन करेगा? तुम्हें भी यकीन हो जाएगा जब जान जाओगे कि महारानी का जीवन वहां कैसे गुजरा। महल में आपका स्वागत है ज्योतिष। नमस्कार। लीजिए। पता चला आपने राजकुमारी की कुंडली बदली। उसी के लिए आया हूँ। इसी समय महारानी से मिलना चाहूंगा, उन्हीं को बताऊंगा। अवश्य पधारी। रानी मंगम्मा देवी, आप भी जाओ। रानी मंगम्मा देवी, आप भी जाओ। मंगम्मा देवी को मेरा शत शत प्रणाम। मंगम्मा देवी, राज ज्योतिषी जी हमारी बेटी की कुंडली बनाकर लाए हैं और राज ज्योतिषी जी चाहते हैं कि वो आपके सामने कुंडली पढ़े। इन्होंने मुझे भी कुछ नहीं बताया। आप इस साम्राज्य के महाराजा हैं और मैं इस साम्राज्य की महारानी हूँ। आपको इस तरह मना करना आपका अपमान है। इनका स्वागत करने आप मुख्य द्वार तक क्यों चले गए? ज्योतिष का कार्य ही भाग्य पढ़ना है। ये बताइए, आपको साम्राज्य की सेना और शस्त्रों पर भरोसा है या इस ज्योतिष की लिखी हुई कुंडली पर अधिक विश्वास है? दोनों पर है। इसका कहा एक भी शब्द आज तक सत्य नहीं हुआ है, फिर भी आपको इस पर विश्वास है? इतनी दूर से कष्ट उठा कर आए हैं, उपहार देकर इन्हें भेजिए। महारानी, कोई भी देश तलवार के बल पे नहीं चलता। ग्रह और नक्षत्र उन्हें चलाते हैं। इसे आप मिथ्या या अंधविश्वास न समझे। संसार में क्या होगा, कब होगा, कौन राजा बनेगा और कौन रंग, सबके भाग्य ग्रहों की दिशा ही तय करती है। ऐसे शब्दों में आपको उत्तर देने के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, पर मैं विवश हूँ। आपकी बेटी की कुंडली मैंने पढ़ी है और उसमें नक्षत्रों की स्थिति ये बताती है कि इस आने वाली पूर्णिमा से पहले सांप के डसने से इस राज्य की महारानी की मृत्यु होना निश्चित है। आपकी कुंडली भी इस बात की पुष्टि करती है महारानी, मेरी कोई बात गलत नहीं होती। अगर तुम्हारी ये बात गलत साबित हुई तो सबके सामने तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगी मैं। महारानी, मेरी मृत्यु आपके हाथों नहीं होने वाली, ये बात मेरी कुंडली में लिखी है। अगर चाहूं तो इसी पल तुम्हें मार सकती हूं। सेनापति जी। जी महारानी। पूर्णिमा तक इस पाखंडी को काल कोठरी में बंद कर दीजिए। जैसी आज्ञा महारानी। मंगम्मा देवी, ज्योतिषी ईश्वर की तरह पूजनीय है, इन्हें कारागार में डालना उचित नहीं। मेरी तलवार या इस ज्योतिष के नक्षत्र में ज्यादा दम है, मैं खुद उसकी आजमाइश करूंगी। सिपाहियों, इसे काल कोठरी में डाल दो। चलिए यहाँ से। आप जल्दबाजी में निर्णय ले रही हैं और आपने जो किया है वो न्याय उचित नहीं है। ज्योतिषी जी की भविष्यवाणी गलत नहीं होती। उन्होंने पहले ही कहा था कि हमारा विवाह होने के पश्चात हम हिमालय के छोर तक राज करेंगे और ठीक ऐसा ही हुआ। आपसे विवाह होने के पश्चात जब हमारी दूसरी पुत्री पैदा हुई तो हमने दक्षिण में भी विजय प्राप्त की। आज हर जगह हमारा साम्राज्य है। बेटी हमने पैदा की है, अगर ज्योतिष ना बताता तो हमारी औलाद नहीं होती क्या? आप अज्ञान और अंधविश्वास के गुलाम बन चुके हैं। हर बात को आप किसी न किसी तरह से ज्योतिष से जोड़ देते हैं और उस बात को एक चमत्कार मान लेते हैं। मुझसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं, इसीलिए भयभीत हो जाते हैं। आज आपका भय समाप्त कर दूंगी। अगर राज्य में कोई नाग ही नहीं रहेगा तो भय किस बात का? सेनापति जी। महारानी। नागर जाति के लोगों को कल दरबार में उपस्थित कीजिए। देखिए सिर्फ Z5 पर। महारानी मंगम्मा देवी, महारानी मंगम्मा देवी, महारानी मंगम्मा देवी, हमारे साम्राज्य
राज्य में नागर कबीले के लोग बरसों से रह रहे हैं। ज्योतिष जी ने भविष्यवाणी की है कि एक नाग के डसने से मेरी मृत्यु होगी। जब से ये बात सुनी है महाराज चिंतित हो गए हैं। एक नाग आपकी महारानी को मार सके, इतना साहस आप सब लोग जानते हैं। मुझे इन सब बातों पर विश्वास नहीं है। मैं ज्योतिषियों पर विश्वास नहीं करती। क्या ये शास्त्रों का कोई षड्यंत्र है? जान बूझ कर ये बात कहलवाई गई है। मुझे अपनी प्रजा पर पूरा विश्वास है। मैं आप सब में से ही एक हूँ। आपके महाराज को ये विश्वास दिलाना होगा कि वो ज्योतिष पाखंडी है। इस अंधविश्वास को हमेशा के लिए मिटाने का समय आ गया है। हमारी सेना के पास दुनिया के बेहतरीन अश्व है, हाथियों का दल है और मेरी तरह युद्ध कौशल से निपुण अनगिनत सैनिक हैं। हम नाग सेना बनाएंगे और मेरी इस नाग सेना में मैं आप सबको अपना सैनिक नियुक्त कर रही हूँ। जानते हैं किस लिए? बता सकते हैं कि आप लोगों का काम क्या होगा? आप बस हुकुम कीजिए। मार डालो सबको। मेरे साम्राज्य में एक भी सांप जिंदा ना रहे। मेरी आंखों के सामने मार डालो सबको। इस आने वाली पूर्णिमा से पहले यहाँ से सांपों का अस्तित्व मिट जाना चाहिए। महारानी, आपके लिए एक एक सांप को मार डालेंगे। अपनी सेना के सेनापति आप स्वयं चुनेंगे। नागप्पा। उस क्षेत्र में रह रहे सारे नागों के शिकार करने का फैसला कर लिया। इस साम्राज्य के एक एक सांप को ढूंढकर मार डाला है, लेकिन उन दो भयानक दानवीय नागों को मारने की बात तो दूर चोट तक नहीं पहुंचा पाए। दोनों नागों को तोप से उड़ा दो। जैसी आज्ञा सेनापति जी। सारे नागों को तो हमने मार दिया, मगर एक नाग बचकर निकल गया। इन बैलगाड़ियों में क्या सामान आ रहा है? राजमहल के लिए फल और तरकारियां। ठीक है, पहले गाड़ियों की जांच कर लो, उसके बाद इन्हें अंदर जाने दीजिए। नागप्पा। उस बैलगाड़ी में आग लगी है।
आपको भी नाक की गंध आ रही है? हाँ, नाक की गंध आ रही है। कुछ अपसुकुन होने का आभास हो रहा है। सेना के एक एक सिपाही को यहाँ बुलाओ। नेवलों को बाहर निकालो। जैसे आप क्या? इसी समय मुझे महारानी और सेनापति को चेतावनी देनी होगी। जी राजा जी। आधी रात हो चुकी है, आप अब तक जाग रहे हैं? ज्योतिषी ने जैसा कहा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ, ये बात सोचकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत बड़ा मक्कार है वो। बात गलत साबित होने पर उसके मुख पर निराशा का भाव देखने लायक होगा। उम्र भर सो नहीं पाएगा वो। अब उन्हें मुक्त कर देना चाहिए। मुक्त कर दूं? इसी समय सेनापति के साथ उससे मिलने जाऊंगी। मैं भी चलता हूँ। कौन है बाहर? बोलिए महारानी। राजकुमारी का ख्याल रखो। जैसी आज्ञा महारानी। महारानी आपका यश बढ़े। जी बोलिए। महल की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आधी रात बीत चुकी है, अब तक उस बेवकूफ ज्योतिष की बातों पर यकीन है आपको? महारानी, हम ज्योतिष की बातों को नहीं मानते, लेकिन आपकी सलामती हमारे लिए सर्वोपरि है। सुबह होने तक हम महल के द्वार पर स्वयं पहरेदारी करेंगे, ये हमारा दायित्व है। तुम्हारा दायित्व समाप्त हुआ, जाकर आराम करो। इतनी जल्दी क्या है, उन्हें अपना कर्तव्य निभाने दो, जाके महल की पहरेदारी करो। आप मेरे साथ चलिए उस ज्योतिष से बात करने के लिए। जो सचमुच सो रहे हो या मृत्यु के डर से अपनी आंखें बंद कर ली हैं? आओ, मैं अपनी तलवार तुम्हारे सीने में उतारने के लिए आतुर हूँ। तुम्हारी भविष्यवाणी झूठी साबित हुई। अब तक काफी बहाने सोच लिए होंगे। इस बार कोई नई कहानी सुनानी है? नाग, महल के भीतर नाग पहुंच चुका है। सब लोग यहाँ आइए, मुझे बताइए। हमने तो हर नाग को समाप्त कर दिया था। राजकुमारी अपने कक्ष में अकेली है, तुम जाकर उनकी हिफाजत करो। मैं आज इस नाग को अपने हाथों से खत्म करूंगी। अनर्थ हो गया। मेरे पहरेदार को मार डाला उसने। मेरी बात गौर से सुनो, नाग महल में प्रवेश कर चुका है, ढूंढ निकालो उसे। जी। वजूद खत्म कर दो उसका। जी नागप्पा। वीर सिंह। जी नागप्पा। ढूंढो उसे। जी। तुम पूरब की तरफ देखो। जी। तुम दक्षिण की ओर जाओ। चलो। बाकी सब पश्चिम की तरफ ढूंढो। जी नागप्पा। आज उस नाग का मरना तय है। नागप्पा, मैं यहाँ हूँ सेनापति। महारानी दिख नहीं रही। सच में? पहले सब उन्हें ढूंढो। महारानी आप कहाँ हैं? महारानी हमें जवाब दीजिए। मैंने तुम्हें कितना समझाया था मंगम्मा, पर तुमने मेरी एक न सुनी। इतनी बहादुर रानी कोई नहीं हो सकती, ये एक सच्ची राजपुताना है। अब आ गए महाराज। महारानी ठीक तो है ना? कुछ बुरा होने वाला है, सोच के दिल बैठा जा रहा है। बताइए कहाँ है वो? आपकी बात सच निकली, सबने पूरी कोशिश की लेकिन हम उन्हें नाग से नहीं बचा पाए। हमें क्षमा करें,
हम महारानी को नहीं बचा पाए। महाराजा बहुत दुखी हैं। हमारे सोचने समझने की शक्ति काम नहीं कर रही। ऐसे समय में सिर्फ आप ही हमारा सहारा है। यहाँ की उत्तराधिकारी राजकुमारी को हम कैसे बचाएं? कृपा करके हमें बताइए, चाहे तो हमारे प्राण ले ले। इस बात का कोई उपचार नहीं है। मेरी ज्योतिष ज्ञान की जीत हुई या फिर रानी साहिबा की हार हुई, किसी भी व्यक्ति की उम्र तय करती है उसके कर्म, और उसे बदलने की शक्ति ईश्वर के सिवा किसी और के पास नहीं। हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। अगर वो नाग अभी तक राजकुमारी जी के पास नहीं पहुंच पाई हो तो उन्हें किसी गुप्त कक्ष में छुपा दो। इसके सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं है क्या? राजकुमारी का नामकरण करो, लेकिन किसी नाग के नाम पर। नागवती? बहुत ही उत्तम नाम है। उसके अतिरिक्त और क्या है? किसी ऐसे देश ले जाओ जहाँ सांप ना हो। अगली पूर्णिमा होने से पहले तुम्हें इसे यहाँ से काफी दूर ले जाना होगा। जैसा आपका आदेश। आपने हमसे 3 जहाज की मांग की, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट आपको इससे ज्यादा 4 जहाज और बहुत सारे नाविक भी देगी। पर इसके बदले ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे बीच हुए एग्रीमेंट में कुछ अलग तरह के बदलाव चाहती है। क्या उन्हें और अधिक धन चाहिए? नहीं, हमको कोई धन दौलत या जवाहरात नहीं चाहिए, बस हमको आपका वो महल चाहिए। अपनी पुत्री की रक्षा के लिए मैंने आपसे सहायता मांगी तो आपने मुझसे मेरी भूमि मांग ली। मेरा राज्य, वहाँ की प्रजा सब मेरे हैं। सॉरी योर हाइनेस, लेकिन ये मेरी सरकार का आदेश है। महाराज, आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। अनुमति दें तो मैं कुछ कहूँ। ठीक है। वाइसरॉय, क्या आप हमें थोड़ा समय दे सकते हैं? ओके। Okay. महाराज राजा वर्मा की, महाराज राजा वर्मा की, महाराज राजा वर्मा की, महाराज राजा वर्मा की। इस राज्य के सभी नागरिक सच्चे देशभक्त हैं। महाराज ने अंग्रेजों को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं मान रहे। हमारे हालात का फायदा उठाने के लिए राज्य के गौरव का प्रतीक इस महल को हथियाना चाहते हैं, पर महाराज ने साफ साफ इनकार कर दिया। अब आप ही हमें बताएं, क्या राजकुमारी को बचाना हमारा कर्तव्य नहीं? सेनापति जी, चाहे महल को खोना भी पड़े, हम राजकुमारी को अवश्य बचाएंगे। अगर इस साम्राज्य के वारिस को ही नहीं बचा पाए तो हम जी कर क्या करेंगे? ऐसा ही होगा। आप सभी प्रजाजन के हृदय में मेरे और मेरी बेटी के लिए बहुत प्रेम है। मैं स्वयं को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। जाने के सिवा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। मेरी बेटी के ऊपर से सर्प दोष पूरी तरह समाप्त हो जाएगा तो हम आपकी सेवा में पुनः आएंगे और हम अपने देश लौट आएंगे। मेरे जीवन के अंतिम क्षण यहीं बीतेंगे। समय बीतता गया और महारानी के साथ हमारे राजा जहाँ नाग नहीं रहते उस देश न्यूजीलैंड में रहने लगे, और फिर देश आजाद हो गया। मुझे वाइसरॉय से एक निमंत्रण मिला और फिर मैं उनसे मिलने गया। नमस्ते कमांडर जोकर, ब्रिटिश हुकूमत ने फैसला किया कि आपके देश को आजाद कर देंगे। हम नागमती महल आपको सौंपना चाहते हैं। ये लीजिए कीज। उसके बाद महल की सारी चाबियां ब्रिटिश सरकार ने मुझे लौटा दी। जिस दिन हमारे देश को आजादी मिली, हमारा महल भी आजाद हो गया। ठीक 25 साल के बाद हमारे राजा राजकुमारी के साथ अपने देश लौटे और सीधे नागमती महल पहुंच गए। राजकुमारी नागमती, 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 राजकुमारी नागमती। कौन है वहाँ? किस मकसद से यहाँ आए हो? अपना चेहरा दिखाओ। कौन है तू? ऐसे चोरों की तरह क्यों घूम रहे हो? चल अपना शॉल हटा। मैंने कहा शॉल हटा। हे, कौन हो तुम? तुम्हारे पूरे शरीर में दाग कैसे? चल निकल यहाँ से। पहले से देश में ऐसा फैला है और तुम चेचक फैलाएगा। निकल यहाँ से। राजकुमारी जी को देख लेने। महाराज, पुलिस हमारे सेनापति को पीट रही है। उन्हें छोड़ दो, ये हमारे सेनापति हैं। महाराज की जय हो। सेनापति,
हमें बताया गया कि आप नहीं रहे। मेरे समीप मत आइए महाराज, मुझे चर्म रोग हो गया है। जीवन के आखिरी दिन है मेरे। मेरे परिवार के और आसपास के हजारों नागरिक इस बीमारी से मर चुके महाराज, इसीलिए मैंने भी अपने मरने की कहानी फैला दी। सेनापति जी, मैंने सोमू को सारी चाबियां दे दी है, लेकिन मुझे राजकुमारी जी को एक बार देखना था महाराज, इसीलिए यहाँ आ गया। नागमती, ये सेनापति चोकन है। सेनापति जी, मुझसे दूर रहिए। मैं राजकुमारी हूँ, आपको मरने नहीं दूंगी, आपका अच्छे से इलाज करवाऊंगी, विश्वास कीजिए। राजकुमारी जी, आप राजकुमारी नहीं, देवी है, देवी। मेरे लिए इतना काफी है राजकुमारी कि आपके दर्शन हो गए। अब मैं मर भी जाऊं तो परवाह नहीं, आज मैं धन्य हो गया राजकुमारी। मेरी जान बचाने के लिए आप सब लोग अपनी जान पर खेल गए, मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगी। पिताश्री, अपने पैसों से यहाँ के लोगों के लिए एक अस्पताल बनवाइए। जैसा तुम चाहो। आज के बाद यहाँ कोई भी बीमारी से कभी नहीं मरेगा। हम अपने पैसों से यहाँ एक अस्पताल बनवाएंगे। राजकुमारी नागमती की, राजकुमारी नागमती की। करें यहाँ। आपका शुक्रगुजार हूँ। अब कैसी तबीयत है, पहले से ठीक लग रहा है ना आपको? मैं काफी ठीक हो चुका हूँ। मेरी तरह और भी लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं। आज के बाद इस राज्य में कोई भी इस बीमारी से मरने ना पाए। आपकी ये इच्छा जरूर पूरी होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। राजकुमारी नागपति, राजकुमारी नागपति, राजकुमारी नागपति, राजकुमारी नागपति, राजकुमारी नागपति, राजकुमारी नागपति, राजकुमारी नागपति। मेरी माताजी मंगम्मा देवी का निधि कोष, जिसमें सोना चांदी और जेवरात है, वो सब कुछ आज के बाद प्रजा की भलाई के लिए है। इतना सारा धन अगर यहाँ की प्रजा के लिए काम नहीं आया तो वो व्यर्थ है, वो आप सब के लिए है। यहाँ की औरतें, यहाँ के मर्द, बच्चे, किसान, सिपाही, आप सब जो भी यहाँ रहते हैं, हमारी सारी धन दौलत आप सब के लिए है, आप सब के लिए। यहाँ पर एक बहुत बड़ा अस्पताल बनाया गया है, और इतना ही नहीं, आप सब के बच्चों के लिए स्कूल भी बनेगा। मैं आप सब में से ही एक हूँ। आप महान है राजकुमारी, हमारी महारानी मंगम्मा देवी ने फिर से जन्म लिया है, वो कोई और नहीं आप ही के रूप में लौटी है। राजकुमारी नागमती, राजकुमारी नागमती, राजकुमारी नागमती। हाँ, सांप राजकुमारी के कमरे से निकल रहा है। महाराज, एक सांप ने राजकुमारी को मार डाला। आपके कहने का मतलब, जब महारानी मंगम्मा मरी तो उसके मरने के बाद उसकी आत्मा अभी तक महल में भटक रही है? कमाल है, आप भी इस बात पर यकीन करते हैं? अगर अभी भी यकीन नहीं हो रहा तो बेल पे छूटने के बाद एक रात उस महल के सामने जाना, एक बार रानी को उनके नाम से पुकारना, मंगम्मा देवी अवश्य आएंगी। ए, यहाँ जागरण का प्रोग्राम है क्या? क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? आ गया मुच्छड़ चलो, सो जाओ भाई, सुबह बात करेंगे। क्या अपने को 10वीं का एग्जाम देने जाना है? फालतू का के हुकुम चला रहा है। अरे सुबह बात करेंगे ना, सो जाओ। बस कर, बहुत हो गया, एक दिन पीपी के मर जाएगा। चाहे कुछ भी हो, श्रवण तेरा बेटा है, तेरा कर्तव्य है अपने बेटे को जेल से निकालना। पहले तो मुझे लगा था कि वो बेकसूर है, उससे मिलने में जेल में भी गया, मर्डर उसी ने किया है, ये बात उसने कबूल भी कर ली, वो भी मेरी आंखों में देखकर। आप भी इस बात से वाकिफ हो कि गुनहगार चाहे कोई भी हो, मैं उसे छोड़ता नहीं हूँ, फिर वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो। कल को उसे बाहर भी निकाल लूंगा तो मौका देखकर उसका एनकाउंटर कर दूंगा। hey, जरूरत से ज्यादा हो गई है, बस करो, जाओ जाकर सो जाओ। उसे भूलने के लिए और पीना होगा, तभी जलन कम होगी। हाथ छोड़िए। ये कभी नहीं समझेगा। नमस्ते साहब।
इतनी रात क्यों आए हो? ये श्रवण के बारे में बात करने आई है साहब। इसे यहाँ पर क्यों लाए हो? उससे मिलना है तो जेल में मिल लो। भूमि, एक बार उसकी बात तो सुन लो। साहब, सच्चाई क्या है वो बताना मेरी ड्यूटी है। ये क्या बोल रही है, कम से कम सुन तो लीजिए। बोलो क्या बकना है। पुलिस स्टेशन में फोन आया कि एक लड़की ने आत्महत्या कर ली है, तो मैं और एसआई विक्रम साहब हम दोनों उसके घर गए। लड़की के हाथ में लेटर था जिसे मैंने निकाल लिया। नीचे उतारो जल्दी जल्दी। मैंने लेटर को पॉकेट में रख लिया था। यह है वो लेटर जो लड़की के हाथ में था साहब। मैं प्रिया कुमारी दिलो जान से श्रवण से प्यार करती हूँ, लेकिन उसे मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं है। सिर्फ मेरे सामने ढोंग करता है, अपनी वासना पूर्ति के लिए मुझे इस्तेमाल करता है। उसे राधिका से प्यार है। मैंने उस पर शादी के लिए बहुत दबाव डाला, लेकिन उसके पिता भूमिनाथ मुझसे मिलने के लिए आए और मुझे जान से मारने की धमकी दी। कल अगर मुझे कुछ होता है तो उसका असली दोषी होगा डीएसपी भूमिनाथ, श्रवण की प्रिया। आपको फंसाने के लिए और पोस्ट से हटाने के लिए जरूर किसी ने ये कारस्तानी की होगी साहब। एक काबिल ऑफिसर हमारे डिपार्टमेंट से नहीं जाना चाहिए। तो उस हॉस्पिटल से जहां बॉडी का पोस्टमार्टम होना था, मैंने चुपचाप वहां से आपको फोन किया था साहब। मेरा फोन श्रवण जी ने उठाया था। हेलो भूमि सर। पापा घर पर नहीं है, मैं उनका बेटा श्रवण बात कर रहा हूँ। कोई खास बात? तुम्हारे पापा मुसीबत में हैं। प्रिया नाम की लड़की की मौत हो गई है। तुम्हारे पापा ने उसे मार के फांसी पर लटका दिया था, ऐसी कंप्लेन आई है। इतना ही नहीं, उनके खिलाफ कई पुख्ते सबूत भी मिले हैं। इस समय वो इंस्पेक्टर रियाज के पास है। कैसे सबूत? राहुल नाम का एक गवाह भी सामने आया है, उसने भी यही गवाही दी है कि तुम्हारे पापा ही कातिल है। क्या कहा उसने? सर मुझे प्रिया से प्यार था, पर वो मुझसे प्यार नहीं करती थी, वो श्रवण से प्यार करती थी। श्रवण प्रिया और राधिका दोनों से प्यार करता था, वो दोनों भी उससे बहुत प्यार करती थी, पर प्रिया को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। राधिका और प्रिया में बहुत बहस हुई और इसीलिए उसने सुसाइड कमिट कर लिया। पुलिस राहुल के बयान को एविडेंस मानकर इस नतीजे पर पहुंच रही है कि तुम्हारे पापा ने ही हत्या की है। तुम्हारे पापा को अरेस्ट करने के लिए पुलिस कभी भी पहुंच सकती है। ठीक है, मैं देखता हूं। तुम मुश्किल में ना फंस जाओ, इसीलिए सारा इल्जाम बिना अपनी परवाह किए खुद पे लिया, पर तुम ये नहीं समझ पाए। श्रवण को बचाने के लिए ये लड़की कोर्ट और थाने का चक्कर लगा रही है, बहुत परेशान है बेचारी। तेरा तो सिर्फ वो लवर है ना, मेरा तो वो बेटा है। बेफिक्र होकर अपने घर चली जाओ, मैं देखता हूँ क्या करना है। क्यों भाई कार्तिक, केवड़े की खुशबू आ रही है, सेंट लगाया है क्या? सेंट तो सुहागरात में नहीं लगाया। तो खुशबू कहाँ से आ रही है? अरे गंध तो मुझे भी आ रही है, सांपों को ये खुशबू बहुत पसंद है। ए, आधी रात को सांप का नाम मत ले, सच में आ गया तो क्या करेंगे? अरे इस महल में बहुत मौतें हुई हैं और सबकी मौत सांप के काटने से हुई है। ए, 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 ए। सर, मैं सुबह उस महल में पहुंचा तो वहां पर कांस्टेबल की डेड बॉडी मिली और उसके गर्दन पर सांप के काटने का निशान था। दो और भी कांस्टेबल्स थे, वो भी गायब हैं। अच्छे से शिनाख्त करने पर वहां पर सांप के रेंगने के भी हमें निशान मिले। बाकी सारी फॉर्मेलिटीज हमने पूरी कर दी। आज से पहले भी नागमती महल के अंदर कई रहस्यमय मौतें हुई और उन सब की डिटेल्स इन फाइल्स के अंदर हैं। वहाँ जितने भी कत्ल हुए हैं उनके पीछे कोई रानी की आत्मा को तो कोई भेड़िया को तो कोई फिर सांप को वजह बता रहा है। ये सब बकवास मेरी समझ से परे है भूमिनाथ। अगर तुम जैसे काबिल और बहादुर ऑफिसर ये केस अपने हाथ में ले लो तो हर राज से पर्दा उठना पक्का है, और इसीलिए तुम्हें अपने बेटे के मर्डर केस से हटाकर ये दूसरा केस सौंपने का ऑर्डर जारी कर रहा हूँ। इसे पढ़ लो, तुम्हारे ट्रांसफर ऑर्डर। ओके सर। सर, मेरे बेटे का केस मेरे पास रहने दीजिए, उसे बेल मिल चुकी है और वो बेकसूर है ये बात मैं साबित कर दूंगा। और इस केस के लिए आपने मुझ पर भरोसा किया, आई फील वेरी ऑनर्ड सर। 10 दिनों के अंदर अंदर इस केस को मैं सॉल्व कर दूंगा सर। तुम्हारे इसी कॉन्फिडेंस का मैं कायल हूँ डीएसपी भूमिनाथन। थैंक यू सर। इन केसेस को लेकर डिपार्टमेंट से तुम कोई भी हेल्प ले सकते हो, इट्स माय एश्योरेंस। सर, सर, ये फाइल्स मेरे कार में रख दो। यहीं रुकना, आता हूं मैं। ओके सर।
मैं बहुत खुश हूँ श्रवण बेटा, इतनी जल्दी बेल मिल गई। बोलिए क्या हुआ, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? पापा का ट्रांसफर हो गया ना, तो कमिश्नर के ऑफिस आए हैं, उन्हीं का वेट कर रहे हैं। अरे रे, पिछले दो महीने से उनके साथ चैन से ड्यूटी कर रहा हूँ, इतनी जल्दी ट्रांसफर हो गया? आज तक दो महीनों से ज्यादा कहीं पर टिके नहीं है वो। ठीक कहा बेटा, तुम्हारे पापा तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। जब तुम जेल में थे तुम्हारे पापा घर भी नहीं जाते थे। साहब जी। हाँ बोलो। घर जाके आराम से सो जाइए ना आप। मेरा बेटा जेल में फर्श पर सोता है, तो मुझे घर के बिस्तर पे नींद कैसे आ सकती है? जब तक बेटा बाहर नहीं आ जाता, ये लॉकअप ही मेरा बेडरूम है। बड़े नसीब वाले हो, ऐसे पिता मिले हैं तुम्हें। तुम्हें बेल दिलाने के लिए पापा ने बहुत मेहनत की, राधिका ने भी बहुत चक्कर लगाए बेटा। इनके लिए मेहनत नहीं करूंगी तो फिर किसके लिए करूंगी बताइए? अरे हाँ, तुम्हारी शादी कब है? आपको जरूर बुलाएंगे अंकल। पापा आ गए। मायान यहाँ क्या कर रहे हो? काम से आया था, ये फाइल देनी थी मुझे। देखो मेरी ड्यूटी नागमती पैलेस में लगी है, कुछ काम रहेगा तो फोन करूंगा। मैं वहाँ आ जाऊंगा साहब। कार कहाँ पर है बेटा? वो पार्किंग में खड़ी की है। चलता हूँ मायान। जी साहब। चलो चलते हैं। नमस्ते। अंकल ट्रेन आने में अभी एक घंटा बाकी है, कहीं साइड में रोक दूं क्या? कहीं बैठ के कॉफी पीते हैं? नहीं बेटा, अब सीधे स्टेशन चलते हैं। पापा वैसे मुझे एक डाउट है, आपने ये ट्रांसफर अपनी मर्जी से लिया या डिपार्टमेंट ने आप पर थोप दिया? मेरा काम देखकर ही डिपार्टमेंट ने मुझे ये काम दिया है। नागमती पैलेस का सिक्योरिटी हेड मेरे साथ जेल में था, वहाँ के बारे में उसने बहुत सी डरावनी कहानियां सुनाई। बेटा वही आदमी जो वहाँ चोरी के इल्जाम में अरेस्ट हुआ था, सेनापति चौकन, क्या बता रहा था? यही कि नागमती की आत्मा ने बहुत सारे लोगों को मार डाला है। इतने लोग मरे तो वो खुद कैसे बच गया? नागमती की आत्मा के दिल में उसके लिए कहीं सॉफ्ट कॉर्नर है क्या? देखो बेटा, जब तक कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं आ जाते, हर दिन थाने में जाकर साइन करना और कुछ दिन घर पे ही आराम करना। आप 10-15 दिन मेडिकल लीव ले लीजिए, घर पे आराम से बैठकर सोचेंगे कि वहां जाना चाहिए या नहीं। ए, मेरी खैरियत का बहाना बनाकर मेरी ड्यूटी में दखल अंदाजी मत करो। एक तो तुमने प्रिया के मर्डर केस में मैं फंस जाऊंगा, किसी और के किए जुर्म का इल्जाम तुमने अपने ऊपर लिया और जेल चले गए। काश थोड़ा सब्र से काम लेते तो उस रिजर्व टिकट को सबूत बनाकर मैं ये प्रूव कर देता कि क्राइम में तुम शामिल नहीं थे। पापा खुद को बेगुनाह साबित करने से पहले वो आपको जेल में डाल देते, बहुत ही पुख्ता केस बना दिया था उन्होंने। पापा प्लीज फिर से एक बार सोच लीजिए, या तो कहीं और ट्रांसफर करवा लीजिए या वहाँ पर असल में क्या है ये जानने के लिए आप लीव ले लीजिए। अगर आप नहीं मानेंगे ना तो हम दोनों आपके साथ चलेंगे। ए, अपने बाप को ब्लैकमेल कर रहे हो क्या? अपनी पत्नी के कहने पर मैंने कभी छुट्टी नहीं ली, तो अभी कोई छोटा बच्चा हूँ जो तुम्हारी बात सुन लूंगा? याद रखो आज तक कोई भी केस बिना सॉल्व किए नहीं छोड़ा है मैंने। पैसा कमाने के लिए पुलिस फोर्स ज्वाइन नहीं किया मैंने, ये मेरा पैशन है। कोई इस महल में ड्यूटी लेना नहीं चाहता था, लेकिन मैं तैयार हो गया क्योंकि लोग भूमि को जानते हैं कि मैं वहां से कोई पुख्ता नतीजा ही लेकर लौटूंगा। और अगर किसी वजह से मैं केस में असफल रहा भी तो मायूस होकर लौटने की बजाय खुद को गन से शूट कर लूंगा और मर जाऊंगा। अंकल ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? श्रवण, श्रवण, श्रवण,
दरवाजा खोलो। दाए। दाए। श्रवण, मैं ड्यूटी पर हूं, डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करना होगा। अगर उन्हें पता चला कि तुमने मुझे किडनैप किया है तो तुम पर एफआईआर कर देंगे। शामों तक बाहर नहीं आ पाओगे तुम, उम्र भर जेल में ही सड़ोगे। अंकल, आज का अखबार और फिल्टर कॉफी, कुछ और भी चाहिए आपको? कहाँ है वो? वो चार दिन बाद लौटेंगे। वो मुझसे कहकर गए हैं कि मैं आपका ठीक से ख्याल रखूं। अंकल, आपके सारे कपड़े अलमारी में रख दिए हैं। तो तुम भी उसके साथ शामिल हो, जल्दी दरवाजा खोलो। आपको बीपी की प्रॉब्लम है, चिल्लाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। चाबियां वो अपने साथ ले गए हैं। तो किसी को बुलाकर ताला तुड़वा दो। जब तक वो नहीं कहेंगे तब तक नहीं कर पाओगे। दरवाजा खोलोगे कि नहीं? आप कितना भी जोर से चिल्लाइए कोई नहीं सुनने वाला। कुछ भी कहिए, आपके बेटे की प्लानिंग एकदम सॉलिड है। देखो, मुझे बहुत काम है। आधे घंटे से मैं वो सब कर रही हूँ जो कि आपको करना था। डिपार्टमेंट के हिसाब से आप ऑन ड्यूटी हैं। आपको ढूंढते हुए कोई यहाँ ना आए, इसीलिए आपकी जगह मैं आपकी ऑफिस चली जाऊंगी और आपके नाम से 5 दिन की छुट्टी का एप्लीकेशन दे दूंगी। बिना मेरे सिग्नेचर के लेटर लिखोगी, बच्चों का खेल समझाए क्या? आपके होनहार बेटे ने मुझे 10 खाली पेपर्स दिए हैं जिस पर आपके पहले से सिग्नेचर है। ये कैसे पॉसिबल है? आपको पता है अंकल, हर 6 महीने में जब भी आपका ट्रांसफर होता है तब उसके स्कूल के रिपोर्ट कार्ड्स पर श्रवण ही सिग्नेचर करते थे, याद है ना आपको? बस उसी तरह आज इन 10 ब्लैंक पेपर्स पर श्रवण ने सिग्नेचर्स कर दिए हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है, आराम से कॉफी एंजॉय कीजिए। नहीं चाहिए तुम्हारी कॉफी। अंकल, आज से आपकी कॉफी बंद। किसने तुम्हारी नींद उड़ा के रखी है, बताओगे नहीं क्या हमें? लेकिन हमने पता लगा लिया है, वो कमीना इंस्पेक्टर रियाज है ना, उसका इलाज तो हम करेंगे। देखो डॉक्टर, उसकी कोई परवाह नहीं है मुझे। तो फिर कौन सा लफड़ा है, बिंदास होके बताना। चौकन ने बताया कि नागमती महल में एक डरावनी रूह रहती है। रात को वहाँ पर 3 कांस्टेबल्स ड्यूटी पर लगाए गए थे, उनमें से एक की मौत हो गई और बाकी 2 कांस्टेबल्स भी कल से गायब हैं। इस सब के इन्वेस्टिगेशन के लिए मेरे पापा को वहाँ ट्रांसफर किया जा रहा था। तुम सब लोग तो जानते ही हो ना कि जिस किसी ने नागमती पैलेस में कदम रखा वो फिर कभी जिंदा वापस लौट कर नहीं आया, और आज उसी वजह से अपने पापा को किडनैप करके एक महफूज जगह पर छुपा दिया है। मैंने पापा को समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो मेरी बात मान ही नहीं रहे थे। उल्टा उन्होंने मुझसे ऐसा कहा कि डर के मारे अगर मैं अपनी ड्यूटी से पीछे हट गया तो वो मेरी कायरता होगी। मेरे पापा हीरो जो है, और मैं अपने हीरो को कभी हारने नहीं दूंगा। फिर भगवान चाहे मेरी जान ही क्यों ना ले ले, लेकिन मैं वो काम करके रहूंगा जो मेरे पापा को करना था। उस महल में मैं जाऊंगा। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो? पापा को कुछ हुआ तो? अब उनके रहते तेरे को अकेले नहीं जाने देंगे, अब उन लोग भी साथ चलेगा। क्यों जान जोखिम में डाल रहे हो? कल किसी को चोट वोट लग गई तो डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी ना। अब उनके पास पूरे महल का नक्शा पड़ा है, कल को अगर कहीं अपन घूम गए तो गूगल की तरह हेल्प करेगा। अपन 3rd डिवीजन में आर्कियोलॉजी का एग्जाम पास किया है। तुम्हें याद है सेनापति चौकन ने क्या कहा? राजकुमारी नागमती की आत्मा किसी को जिंदा बाहर नहीं जाने देगी, और इसलिए तंत्र मंत्र को जानने वाला परम ज्ञानी पंडित जादू टोना का एक्सपर्ट उससे अच्छा और कहाँ मिलेगा तुम्हें? मेरा जाना तो बनता है। अपनी दोस्ती की खातिर आप लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन ये मेरी नहीं मेरे पापा की प्रॉब्लम है। मैं अकेला ही जाऊंगा, मेरी वजह से कोई और मुसीबत में फंसे ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं। काम जैसे ही पूरा होता है मैं तुम लोगों से मिलूंगा, चलता हूं। श्रवण, श्रवण। अंकल, टिफिन रेडी है, आके नाश्ता कर लीजिए। पेपर पढ़ा तुमने? क्या हुआ अंकल? आज न्यूज़पेपर की हेडलाइंस क्या है पता है तुम्हें? प्रिया मर्डर केस का मुख्य गवाह राहुल, उसकी मौत हो गई। श्रवण जो अभी बेल पर छूटा है वो गायब हो गया और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। ये खबर पढ़ो। मैं ये न्यूज़ पढ़ चुकी हूँ। देखो बेटा, गलती पर गलती किए जा रहे हो। पुलिस स्टेशन में 2 दिनों से मैं साइन करने के लिए नहीं गया हूँ, और तुम्हें कुछ पता है कि प्रिया के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकला? 3 दिन उसे कहीं पर बंद रखा गया और बहुत ही वैशी तरीके से उसे मारा। जब किसी ने इतनी क्रूरता से उसे मारा है, यानी कि कोई उससे नफरत करता था या बदला ले रहा था, शायद उसका रेप भी कर दिया गया हो। इसकी सच्चाई जानने के लिए मुझे केस का बैकग्राउंड खंगालना होगा। उसके लिए एफआईआर की कॉपी भी मुझे अच्छे से पढ़नी होगी। कमिश्नर ऑफिस के 5th डिवीजन में मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त डीएसपी मानिकवेल है, उसके पास जाकर उससे सारी डिटेल्स लेनी होगी। इन सब की मदद से मैं श्रवण को बचा सकता हूँ। इस काम के लिए आपको जाने की क्या जरूरत? मानिक अंकल वही है ना जो आपके साथ ड्रिंक्स ले रहे थे? मैं उन्हें जानती हूँ,
आपका नाम लेके अंकल से सारी डिटेल्स निकलवा लूंगी। सिर्फ डिटेल से काम नहीं बनने वाला, इस कातिल की जो भी शिकार है वो सबकी सब औरतें हैं। इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरे श्रवण को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, चाहे मुझे मरना भी पड़ जाए तो भी खुशी होगी। और मेरे लिए आप फिक्र मत कीजिए। आप मानिक अंकल को फोन कर दीजिए, मैं फाइल्स की कॉपी ले आऊंगी, ठीक है अंकल? अंकल, डायल करने का कोई फायदा नहीं, इस फोन के बटन्स आउट ऑफ सर्विस हैं। क्या बात कर रही हो? ओनली इनकमिंग, नो आउटगोइंग। खाना खा लीजिए, ठंडा हो रहा है। मजाक कर रहे हो मेरे साथ? इसके लिए चिट्ठी लिखने की क्या जरूरत थी, मुझे फोन कर सकता था। दो दिन से वॉक पर नहीं आया, ना ही कॉल किया, कहीं बीमार तो नहीं है वो? नहीं, वो अभी श्रवण के केस में काफी बिजी है अंकल। हाँ ये सच है, जब वो कोई केस लेता है उसे सॉल्व करने से पहले सोता नहीं है। ऊपर से ये तो उसके बेटे का केस है। श्रवण कैसा है? वो बिल्कुल ठीक है। अच्छी बात है। भूमि अंकल ने ये भी पूछा है कि इससे पहले ऐसी कोई FIR फाइल हुई क्या? इस तरह का ये पहला केस है, लेकिन हाँ, कुछ 20 साल पहले अम्बेडकर कॉलेज में एक लड़की का सुसाइड केस सामने आया था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से 3 दिन उसे लॉक रखा और बहुत ही दरिंदगी से उसे मार डाला, लेकिन उस मुजरिम का आज तक पता नहीं चला। उस समय मैं IPS ट्रेनिंग ले रहा था, पर हाँ FIR की फाइल यहाँ होगी, उसे ढूंढ कर देता हूँ। हाँ, तुम यहीं रुकना। अरे भूल गया, चाय कॉफी कुछ लोगी? नहीं अंकल। पक्का? श्योर। ठीक है अंकल। हाँ? मैं एक कॉल कर सकती हूँ? हाँ हाँ कर लो ना। ठीक है अंकल। हेलो, मैं राधिका बोल रही हूँ। हाँ बोलो। मानिक अंकल से बात हो गई है। इसका मतलब तुम वहाँ पर पहुँच गई हो? मेरी बात ध्यान से सुनिए। क्या है, जल्दी बोलो। जिस तरह प्रिया को बंदी बना के टॉर्चर किया गया, 20 साल पहले अम्बेडकर कॉलेज में भी एक लड़की को इसी तरह बुरी तरीके से मारा गया था, आज तक उसके कातिल का पता नहीं लग पाया। मानिक अंकल फाइल ढूंढ के मुझे देने वाले हैं। एक काम करो, फोन उसको दो जल्दी से। फोन दिया तो आप उन्हें सब कुछ बता के खुद को छुड़वा लेंगे। फाइल मिल जाने के बाद क्या करना है मुझे? देखो, तुम ज्यादा रिस्क मत लो, फाइल लेके सीधे मेरे पास आओ। Ugh!
जेल पे छूटने के बाद एक रात उस महल के सामने खड़े हो जाना और मंगम्मा देवी को आवाज लगाना। यहाँ मैंने आने से मना किया था ना, तो पंगा क्यों ले रहे हो? तुम्हें अकेले कैसे छोड़ सकते थे? अरे पशुपति, मशाल को जरा जला। वहाँ देखो, बाप रे, श्रवण नागमती की आत्मा है, अपना प्रतिशोध लेने के लिए बरसों से इस महल में भटक रही है। घर गायब हो गई वो लेडी आत्मा। जब से तुमने आने की बात कही है मुझे पता था कुछ गड़बड़ होगी, इसलिए इनको भी यहाँ ले आया। मैं मंत्र पढ़कर आत्मा को अपने वश में कर लूंगा, उसके बाद महल में जाना। उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ, मैं सब मैनेज कर लूंगा। श्रवण, कभी तो सुन लिया कर भाई। हाँ। पहले पंडित को अपना टोना टोटका तो करने दे। हाँ। आत्मा एक बार कब्जे में आ जाए फिर शौक से जाना, अपन के लिए। हाँ, श्रवण, यहाँ से बाहर जाने का क्या लोगे? क्या कहा, अब तो अंदर ही जाएंगे। तो फिर जाओ। ओम चंडमंड दुष्टात्मा भूत प्रेत, पहले देखता हूँ मंत्र में दम है कि नहीं। तुमको तो बहुत डर लग रहा है डॉक्टर साहब। ये भूतनी नॉनवेज तो नहीं खाती ना? शायद खाते भी होंगे। कहाँ छुपी हो? मेरे सामने प्रकट हो, आजा, आजा सामने, आजा, आजा। क्यों नागमती, मेरे सामने आ, नागमती मेरे सामने आ रही है, साइड हट जाओ। हे नागमती, आ गया, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, इधर आ, इधर। ये स्वामी जी कहाँ चले गए? चल के देखते हैं स्वामी को क्या हुआ। स्वामी, 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 स्वामी जी, स्वामी, स्वामी जी, स्वामी, स्वामी, स्वामी जी, स्वामी, स्वामी जी। इतने अंधेरे में उसे ढूंढेंगे कैसे? इसे जरा पकड़ना, जरा इसे देखो, ये रहा महल का नक्शा। जरा लाइट पास लेके आओ। ये है महल का खजाना कोष, अगर वहां चलेंगे तो शायद नाक के छुपने की जगह मिल जाए। हाँ। क्या हुआ श्रवण, क्या करना चाहते हो? ये सब क्या घोटाला हो रहा है? हाँ? इसे जलाते ही कोई यहां से गुजरा है। अरे भूमि, अचानक यहाँ बैठो। मैंने जो फाइल भिजवाई थी पढ़ी क्या? फाइल? हाँ फाइल। ऐसे ही किसी को भी दे दोगे क्या? एक बार मुझसे पूछ नहीं सकते थे? तुम्हारे बेटे की दोस्त राधिका यहाँ पर आई थी, ये देखो, इस लेटर पर तुम्हारा ही साइन है ना? बड़ी मुश्किल से फाइल को ढूंढ कर मैंने राधिका को दी। सब ठीक तो है ना? दोनों ने मिलकर मुझे किडनैप किया था, मुझे सेफ रखने के लिए। पता नहीं क्या सोच रहे थे वो। ये क्या कह रहे हो? हाँ सही कह रहा हूँ, वो प्लान कर रहे थे कि मैं ड्यूटी ज्वाइन ना कर पाऊं। अच्छा, इसलिए मुझे बंधक बनाया और एक महल के अंदर रखा। क्या सच? अच्छा, तुमसे वो लड़की फाइल कब लेकर गई? आज सुबह ही तो आई थी, वो अभी तक घर पे पहुंची नहीं है। हाँ, सच में? और नहीं तो क्या? क्या कह रहे हो? जिस दिन से मैंने इस केस में हाथ डाला है सब कुछ गलत ही होता जा रहा है। राधिका फाइल लेकर जा रही है, और कौन जानता था? और कोई नहीं, मुझे यहाँ से कॉल भी किया था, उसके फोन के थोड़ी देर बाद मुखौटा पहने एक आदमी आया और मुझे मारना चाहा। अजीब बात है। वो तो है, किसी ने उसे कॉल करते हुए सुन लिया होगा। एक मिनट। हे, कमिश्नर का ऑफिस है, डिपार्टमेंट पे शक कर रहे हो? हाँ कर रहा हूँ, लेकिन इस फोन पर। एक मिनट। अब किसे फोन कर रहे हो? टेलीफोन एक्सचेंज। पागल हो गए हो क्या? क्या वो फिर से नहीं सुन लेगा? छोड़ो, ये हमारी आपस की बात है। क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा। स्वामी, 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 आंखें खोलो। श्रवण, श्रवण, मैंने नागमती की रूह को अपनी आंखों से देखा है। तुम सबको मार डालेगी वो, इस वक्त महल से निकल जाओ, एक पल और यहाँ मत रुकना। श्रवण, मुझे माफ कर देना, आज तक मैंने तुमसे एक सच छुपा के रखा था। कौन सा सच छुपाया है स्वामी? हम यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आए थे।
वाह, एक ही तारीख पे तुम तीनों को बेल मिल गई। कल तीनों एक साथ बाहर जाओगे तुम। सही कहा सर। और यहाँ से निकलने के बाद पेट भरने के लिए क्या करोगे? पता नहीं सर। चलो तो कमाई का एक रास्ता बताता हूँ। तीनों को एक साथ काम करना पड़ेगा। एक महल से खजाना चुराना होगा। लूट के दो हिस्से होंगे, 60-40। हम लोग उस जेलर के कहने पर यहाँ पर आए, कम से कम इन दोनों को तो बचा लो। नमस्ते सर। जैसा आपने बताया मैं टेलीफोन एक्सचेंज गया था, वहाँ कोई टाइपिंग नहीं हुई है सर। अच्छा। शायद आपके ऑफिस में ही कोई है, आप कहें तो चेक करवाऊं। याद रहे, किसी को भी इस बात की भनक नहीं लगनी चाहिए। अब जाओ यहाँ से। ओके सर। किया गया सर, बोर्ड में एक एक्स्ट्रा केबल मिला है जो कमिश्नर रूम का है। कमिश्नर, पक्का टाइपिंग वहीं से हो रही है सर? अगर आप कहें तो मैं वहाँ की लाइन कटवा दूं। कोई जरूरत नहीं है, हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तुम जाओ। लो इसे रखो, काम होने पे कॉल करूंगा। ओके सर। पता नहीं नागिन किस बिल से बाहर निकल आए। भाई अपुन की मानो इधर से जल्दी इकट्ठी हो लेते। निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उस नागिन को मारना होगा, वरना हम सब की समाधि इस महल में बन जाएगी। मैंने नक्शे को गौर से देखा था, बहुत गुप्त रास्ते हैं यहाँ पर। सांप कहाँ छुपा होगा ये पता लगाना इम्पॉसिबल है, मारना तो और भी मुश्किल। अपने तो फिर मरेगा कैसे? उसे बिल से निकालना होगा। वो कैसे? सबसे पहले महल के सारे दरवाजे बंद कर दो, सांप को किसी कमरे में बुलाना होगा और वहीं पर हम उसका इंतजार करेंगे। ठीक है, अपन जाता है सारे दरवाजे बंद करने के वास्ते। नागिन मिले तो उसका कीमा बना देना। लो इसे अपने पास रखो। ठीक है, तुम भी रख लो। यहाँ पर दो केबल दिख रही हैं। माणिकराव जरा मदद करो तो। पर दो केबल हैं। ठीक से देखो। टॉर्चर किया गया 20 साल पहले अंबेडकर कॉलेज में भी एक लड़की को इसी तरह बुरी तरीके से मारा गया था। आज तक उसके कातिल का पता नहीं लग पाया। लगता है अब तक उसे किसी ने नहीं ढूंढा। सुनो भूमि, ऑफिस में कौन किससे बात करता है कमिश्नर को जानने का अधिकार है। कॉल रिकॉर्ड करने की वजह से उन पर यह शक नहीं किया जा सकता कि उस लड़की को उन्होंने गायब किया। याद है मैंने तुम्हारी बेटी का मिसिंग केस हाथ में लिया था और अक्यूज ने क्या किया? प्रिया के मर्डर केस में सारे गलत एविडेंस बनाकर मुझे फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन कामयाब नहीं हुआ और फिर श्रवण को जेल में जाना पड़ा था। आज फिर से राधिका, जब से वो फाइल लेकर गई है तभी से वो गायब है। अगर गहराई से सोचे तो कुछ तो कनेक्शन है। एक पुलिस वाले की तरह सोच रहे हैं। पहले घर फोन करके देखो राधिका पहुंचे कि नहीं। हेलो राधिका, हेलो राधिका, राधिका कुछ बोलो, कुछ बोलो राधिका। हेलो हेलो, कट कर दिया। राधिका
राधिका, राधिका, नब चेक करो। ये मर गई। मैंने समझाया था इसे कि कहीं पर भी जाते वक्त अकेले मत जाना, लेकिन सिद्धि थी, कहा कि श्रवण के लिए अपनी जान दे देगी, और आखिरकार वही हुआ। श्रवण भी इससे बहुत प्यार करता है, अब मैं कैसे उससे नजर मिलाऊंगा? भूमि, इसकी मौत ज्यादा देर पहले नहीं हुई। पशुपति मत जा, श्रवण को पता लगेगा तो बुरा मान जाएगा वो। मुंह बंद रख, देख तू पंगा मत ले। चल भाग, अपन को नहीं अपने मरीजों को ज्ञान देना। ये बैग तो छोटा पड़ेगा, पर कोई बात नहीं। बैग क्या, ट्रक में ले जाना पड़ेगा इतना माल, इतना सारा सोना, सोने की खदान। अपन की तो लाइफ सेट हो गई यार। जेलर, तेरा 60%, अपन का 40%, जाके बैंकॉक में सेटल हो जाऊंगा। अरे मजा आ गया, इसे भर लेता हूँ, चार्टर्ड ट्रेन लूंगा। जैसे चूहा खजाना चुराता है तो थोड़ा करके ले जाऊंगा। ये रुकना, एक राउंड और लगाता है। डॉक्टर पशुपति, डॉक्टर पशुपति, डॉक्टर पशुपति, लालच का अंत आखिर बुरा ही होता है। दौलत और औरत के पीछे भागना नहीं चाहिए। ए नागमते, अब तेरा खेल खत्म, आजा बाहर, मैं आ गया हूं। आजा, और तुझे नहीं छोड़ूंगा। कहां जाकर छुप गई?
हिम्मत है तो सामने आ। कौन है? मैं वही हूं। hey, कौन है? सामने आ। कौन है तुम? बोलो। नागमती, मैं ही नागमती हूँ। मैं सच कह रही हूँ, मैं ही नागमती हूँ। hey, रुक जा, आगे मत आना। 7 साल हो गए इस अंधेरी कोठरी में नरक की जिंदगी जी रही हूँ। मुझे यहाँ तड़पने के लिए छोड़कर मत जाओ। मेरी कुंडली में नाग दोष था, इसलिए मेरे पिताश्री मुझे न्यूजीलैंड लेकर गए थे। वहाँ सांप नहीं थे, उन्होंने वहाँ एक महल बनवाया। वहाँ अपने पिताश्री के साथ में बहुत खुश थी। मेरा सपना एक मशहूर कार रेसर बनने का था। मेरी बेटी को एक नया जीवन दिया है आपने। आप डॉक्टर नहीं, हमारे लिए भगवान हैं। प्लीज आप मुझे भगवान मत कहिए, ये तो डॉक्टर का फर्ज होता है। आपको आपकी बेटी का चेहरा देखना चाहिए। आइए मेरे साथ। धन्यवाद। नागमती, जरा इस आईने में देखो। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मुझ पर भरोसा करो। देखोगी तो खुश हो जाओगी। डॉक्टर, मेरा चेहरा, चेहरे को देखिए पापा। मुझे पहले वाली शक्ल फिर से मिल गई है। हाँ, बोलो ना। सबने कहा था मैं फिर से वैसा चेहरा हासिल नहीं कर पाऊंगी। आपने मुझे एक नई जिंदगी दी है डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर आप जीनियस है। आई लव यू डॉक्टर। रिलैक्स नागमती, अब तो तुम खुश हो ना? मैं बहुत खुश हूँ डॉक्टर। डॉक्टर, मुझे लगा कि मैं अपनी बेटी का पुराना रूप कभी न देख पाऊंगा। धन्यवाद डॉक्टर। धन्यवाद। धन्यवाद की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ अपना काम किया है। सर, नागमती पूरी तरह से स्वस्थ है, आप चाहे तो आज ही डिस्चार्ज ले सकते हैं। जैसा आपको उचित लगे। ओके, ठीक है। हमारे घर पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे, ये सब किस लिए सर? आपने जो किया है उसका कोई मोल नहीं है, ये तो बस एक छोटी सी भेंट है। कृपया बैठिए ना। सर, आपसे एक जरूरी बात कहनी थी। हाँ, निसंकोच कहें। मेरे बेटे दर्शन को आपके बेटे नागमती से प्यार हो गया है, इसलिए यहाँ रिश्ते की बात करने आए हैं। मैं आपसे परिचित नहीं हूँ। माफ कीजिए सर, आपको इंट्रोड्यूस करवाना भूल गया, ये मेरे फादर हैं। इन्होंने आपको गोद लिया है? हाँ सर। आई एम डॉक्टर जॉर्ज। मेरे पास बहुत दौलत है, लेकिन हमारी बदकिस्मत ही कोई वारिस नहीं हो पाया। मैंने और मेरी वाइफ ने इंडिया से एक बच्चा एडॉप्ट करने का सोचा। पता चला शारदा गुरुकुल में एक बच्चा आया हुआ था। यही है वो बच्चा, मेरा सब कुछ, डॉक्टर दर्शन, माय सन। सर, मैं नागमती से कितना प्यार करता हूँ वो चाहकर भी शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा। मैं उसके साथ अपना जीवन बिताना चाहता हूँ, जब तक मेरी सांसें सलामत हैं। जान से ज्यादा ख्याल रखूंगा इसका। आप जैसा होनहार और बड़ा डॉक्टर हमारे परिवार का हिस्सा बने, ये हमारा सौभाग्य है।
किंतु कोई भी निर्णय हम परिवार की सहमति से लेते हैं, उसके बाद ही हम आपको उत्तर देंगे। सर, नागमती के बिना जीने का मतलब नहीं रहेगा। अगर वो मेरी ना हो पाई तो सुकून से नहीं जी पाऊंगा। सर, आप थोड़ा धीरज रखिए डॉक्टर साहब। चलता हूं। नागमती, पापा, तुम्हें जीवित रखने के लिए हमें यहां आना पड़ा, अपने देश तक को त्यागना पड़ा, और अब हम यहीं के होके रह गए हैं। तुम्हारे लिए हमने बहुत कुछ खोया। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। विवाह के पूर्व मैं उसकी सारी जानकारी चाहता हूँ, तभी निर्णय लूंगा। आप जो कुछ भी करेंगे मेरी भलाई के लिए ही करेंगे। आपका जो भी फैसला हो मुझे मंजूर है। ठीक है। अखिलन जी। महाराज, हुकुम सरकार। डॉक्टर दर्शन का इतिहास जानना है मुझे, भारत जाके पता करो। नमस्ते सर। नमस्ते, बैठ जाए। महाराज ने ये फाइल आपको देने के लिए कहा है। अच्छा, नमस्ते साहब। बैठ जाओ पीछे। साहब, शारदा गुरुकुल में दर्शन ने सिर्फ एक साल पढ़ाई की, लेकिन विदेश से आए डॉक्टर जॉर्ज ने उसे गोद ले लिया और हमने उसे 7 साल पढ़ने का प्रमाण पत्र दे दिया। साहब, दर्शन यहाँ से पहले कहाँ पढ़ाई कर रहा था? मदर हायर सेकेंडरी स्कूल मीनाक्षीपुरम, और उसका असली नाम दर्शन नहीं, सूर्या है। अच्छा। हमारे गुरुकुल वाले जिसे भी गोद लेने के लिए देते हैं कभी उसका असली नाम नहीं बताते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि उसके अतीत के बारे में कुछ पता चले। आपने उसकी सारी डिटेल्स मांगी थी ना, वो इस फाइल में है साहब, ये लीजिए। सर, जिस स्टूडेंट सूर्या के बारे में आप पूछ रहे हैं उसने 7वीं तक यहीं पे पढ़ाई की हुई है। वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, टीचर्स भी उसका IQ लेवल देखकर हैरान हो जाते थे। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, अचानक स्कूल आना ही बंद कर दिया उसने। प्रिंसिपल होने के कारण मैं उसके पापा से मिलने गया और स्कूल ना भेजने की वजह पूछी। उसने कहा किसी और स्कूल में एडमिशन दिलवाना चाहता हूँ, TC दे देना उसकी। मुझे देना ही पड़ा क्योंकि उसके पापा पुलिस ऑफिसर थे। क्या कहा, पुलिस ऑफिसर? और क्या, आज वो कमिश्नर बन चुके हैं। काली नाम है। यह है कमिश्नर काली की फाइल। इस फाइल में उसकी जन्म कुंडली है। सर, अभी प्रमोशन होने वाला है, ये बात बाहर न जाने पाए। हम लोग उसूल के पक्के होते हैं, इसीलिए तो बिना पूछे आपको फाइल दी। देखिए सिर्फ Z5 पर। डॉक्टर चरण, ये है कमिश्नर की ऑफिशियल फाइल। 5 साल के लिए उसने मेडिकल लीव ली, जिसके सर्टिफिकेट्स आपने बनाए थे। उनकी छुट्टी लेने की असली वजह मुझे तुमसे जाननी है। वो सब मेडिकल रिपोर्ट के अंदर वो है सब ना? बकवास है। काली की स्पाइनल कॉर्ड में कोई डिफेक्ट हो गया था जो 5 साल के बाद ठीक हो पाएगी। उसके बाद वो ड्यूटी ज्वाइन कर सकता है। ऐसा रखा है, जिसके स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम हो वो फिजिकल रिलेशन नहीं बना सकता, ये मेडिकल साइंस कहता है। शायद पुलिस डिपार्टमेंट इस बात से नावाकिफ है, लेकिन मेडिकल सर्टिफिकेट देने वाला डॉक्टर चरण जानता था। सर्टिफिकेट में जो तारीख लिखी है ना, उसी वक्त काली ने बेटा पैदा किया। क्यों वे डॉक्टर, पसीना आ रहा है? तुम्हारा बनाया सर्टिफिकेट 100% झूठा है। दर्शन कमिश्नर काली का बेटा है। DNA टेस्ट की रिपोर्ट भी यही कहती है। कमिश्नर काली के परमिशन के बिना मैं कुछ नहीं बता सकता। तेरी हड्डी तोड़ देगी डॉक्टर। बोल, नहीं तो यही ठोक दूंगी, तेरा पोस्टमार्टम करवा दूंगी। चल अपना मुंह खोल, बोल। बताता हूँ, मुझे कुछ मत करना। मुझे उठाओ। तोते की तरह बोलना शुरू कर। चल शुरू हो जाए। बताता हूँ, अपने हॉस्पिटल में मेंटल डिसऑर्डर में रहने वाले एक पेशेंट को नींद में सुलाने के लिए मेलाटोनिन मेडिसिन जब मैं दे रहा था तो डोज हेवी हो गई और वो पेशेंट मर गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डोज हेवी दी गई है, ये प्रूव होने के कारण पुलिस ने मेरे ऊपर FIR फाइल कर दी। तब मैंने अपने एक दोस्त के जरिए असिस्टेंट कमिश्नर काली सर से मुलाकात की। मैं उनके पैरों में गिरकर मुझे बचा लो बोलकर गिड़गिड़ाया और बहुत सारा पैसा भी दिया। तब कहीं जाके उन्होंने ही मुझे बचाया। बाद में उन्होंने लॉन्ग लीव पे जाने के लिए मुझसे एक झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट मांगा, मैंने बना के दे दिया। इस वक्त तुम्हारे हाथों में वही मेडिकल सर्टिफिकेट है। उसके बाद कमिश्नर काली एक दिन मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पर आया। कई दिनों से सो नहीं पा रहा हूँ। ऐसा लगता है कोई मेरे अंदर आकर मेरे हाथ पैर खींच रहा है। यहाँ इस तरफ लगता है कोई मुझे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ कोई मुझे थप्पड़ मार रहा है। मैंने सारे टेस्ट निकाल कर देख लिए, उन्हें किसी भी प्रकार की शारीरिक समस्या नहीं थी, लेकिन मानसिक रोग की समस्या थी।
हिप्नोटिज्म करके मैंने उनसे पूछा कि सही कर दूं, मुझे कोई मानसिक रोग नहीं है, ऐसा बोल के गुस्से में उठकर चले गए। बट एज ए डॉक्टर मैं समझ गया था कि वो एक साइकोपैथ है और इस बीमारी को एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं। इसे सही मायने में समझाऊं तो वो एक तरह का साइको किलर है। अगर मैं उसे सपोर्ट नहीं करता तो वो मुझे मार देता। फिर उसके बाद एक दिन काली तबीयत ठीक नहीं है बोलकर डिप्रेशन में आया। एक इंजेक्शन लगाऊंगा ठीक हो जाओगे ऐसा झूठ बोलकर किसी से सच उगलवाने में इस्तेमाल करने वाला सोडियम पेंटिताल का इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोशी की अवस्था में ले गया। अब बोलिए मिस्टर काली, अपने मन की बात जो किसी से नहीं बता सकते, अपने मन में ही दबाकर जिससे दुख उठा रहे हो, वो पूरी बात मुझे बता दो। सब कुछ बताऊंगा डॉक्टर, सब कुछ बताऊंगा। आइए बहन। नमस्ते सर। ऐसे मुंह उठाकर अंदर चली आई रेणुका? ये कॉलेज को मच्छी मार्केट नहीं, तमीज नाम की चीज नहीं है क्या? चुप हो जा। तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट हुई है ये याद रखना, यहाँ पुलिस सवाल जवाब करेगी। सॉरी सर, बीच में नहीं बोलूंगा। मेरी बात सुन, यहाँ किसी से डरने की जरूरत नहीं है, जो कुछ हुआ है उसे बेहिचक मुझे बताओ। सर मैं एमए फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ सर, पढ़ाई में अच्छी हूँ, मेरिट में आने से अभी तक मुझे स्कॉलरशिप मिलती रही है, दिन रात मेहनत की, एग्जाम देने ही वाली थी, ये प्रिंसिपल के साथ के लिए मुझे लेक्चरर ने कहा। बकवास कर रही है ये लड़की, अगर मैंने ऐसा कहा हो तो मेरे मुंह पर 100 चप्पल मार सकती हूँ। सच में नहीं कहा? माँ कसम नहीं कहा। इस लेक्चरर को बोल के लड़की को अपने साथ दबाव डालोगे? बिल्कुल नहीं सर। नहीं सर, तू ऐसे सच नहीं बोलेगा। सर सर कहा था सर। तुम अपनी चप्पल निकालो। मैंने कहा चप्पल निकाल, और इसके मुंह पर चप्पल मार। इसी ने कहा था ना कि चप्पल मारो, तो मार मार ना। तुम खुद को लेक्चरर कहती हो है? लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं तो क्या सबकी सब लड़कियों के साथ है? कांस्टेबल, दोनों को घसीटते हुए थाने ले चलो। चलो चलो। हर लड़की को तुम्हारे जैसी होना चाहिए। आई लाइक इट। रेणुका, रेणुका। ये क्या, आपको तो मैंने अच्छा आदमी समझा था, आप भी वैसे ही निकले। मुझसे नेक इंसान मिलेगा कहीं? तुमने मुझे विलन समझ लिया क्या? मुझ में कोई खोट नहीं है। रेणुका थोड़ा स्माइल करो, आज हमारी शादी है, फिर सुहाग रात। मेरी पढ़ने की उम्र है। प्रिंसिपल तुम्हें फर्स्ट क्लास मार्क्स देता अगर तुम उसके साथ एक रात गुजारती, पर तुम्हें अपनी इज्जत अपनी पढ़ाई से कहीं ज्यादा प्यारी थी। तुम्हारे ऊंचे आदर्शों को देखकर मैं तुम्हारा गुलाम हो गया हूँ, लेकिन वो बिल्कुल ऐसी नहीं थी। किसकी बात कर रहे हो? अंजलि मेरे साथ कॉलेज में थी। क्या बताऊँ, ये दीवाना उस पर लट्टू था, पर वो अंजलि पास होने के लिए प्रोफेसर को पटा के मेरी आंखों के सामने उसके साथ सो गई। उसे बचलन कहना गलत होगा क्या? आप सही हैं। हाँ, और इसीलिए मैंने उसके पैरों को जंजीरों से बांध दिया, लैब में ले जाके उल्टा लटका दिया। उधर देखना जरा रेणुका, ये है मेरा भोला भाला बाप। माँ से प्यार हुआ तो उसने उससे शादी कर ली। शादी के 10 महीने बाद ये बदरसी पैदा हुआ, मुझे छोड़ दिया, मेरे बाप को छोड़ दिया और किसी और पर उसका दिल आ गया। गुंडा हमें छोड़कर उसके साथ भाग गई। मेरे बाप ने मुझे एक सीख दी, कहा बेटा काली औरत धोखे का दूसरा नाम है। पर रेणुका ऐसी नहीं है, लाखों में एक लड़की है। मैं तो धन्य हो गया जो तुम मुझे मिली। हमारी शादी के बाद हमेशा तुम मेरे साथ रहोगी, मेरी माँ की तरह मुझे और बच्चों को छोड़कर नहीं जा पाओगी, इसीलिए तुम्हें जंजीरों से जकड़ कर रखा है। आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी, इस चैन को खोल दो,
बहुत दर्द हो रहा है। अरे रे, बहुत दर्द हो रहा है रेणुका, कुछ दिनों में तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी, मेरा यकीन मानो, ये दर्द एक मीठा एहसास देगा। शुभ मुहूर्त का समय निकल जाए उससे पहले हम शादी कर लेते हैं। पागल हो चुके हो तुम, मेरे पास मत आना। ये क्या रेणुका, अभी तो बोली कि नहीं भागूंगी, अब छूने भी नहीं दे रही। हाँ बोला, तुमसे घिन आ रही है। तेरी राय पूछी किसने है? मर्द किसी औरत को चाहने लगे तो औरत का फर्ज है उससे शादी करना। आजा। पूछ रही है, मुंह क्यों उतरा हुआ है? हाथ उठाओ, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? हाँ माँ। 11 11 11 2022। सूर्या खड़े हो जाओ, कहा था ना एनुअल डे पर अपनी मम्मी को लेकर आना, तुमने हाँ भी नहीं कहा था। तुम्हारी मम्मी पेरेंट्स मीटिंग में भी नहीं आई और एनुअल डे पर भी नहीं आई। देखो अगर कल तुम्हारी मम्मी यहाँ नहीं आई तो तुम भी यहाँ मत आना। सारे बच्चों के मम्मी पापा आते हैं, कम से कम एक दिन तो आ जाओ, टीचर गुस्सा करेगी। क्या बकरा है तू? माँ को स्कूल आने के लिए कह रहा था। मेरा बेटा सूर्या, भरोसा मत करना, ये दुनिया बहुत बेरहम है बेटा। तेरी दादी, मेरी माँ तुझे और मुझे सड़क पर मरने के लिए छोड़ गई, तुझे मुझे भुलाकर अपने यार के साथ कुल हो गई। गलती से भी मैंने अगर ये चैन खोल दी ना, तेरी माँ किसी और मर्द के साथ भाग जाएगी। बताओ चैन खोल दो। भगवान, टूटी किस्मत मेरी। देख इसे, गौर से देख, ऐसी होती है औरतें, ऐसे रोएगी, ऐसे ही आंसू बहाएगी, प्यार करने के ढोंग रचाएगी। समझ जा, संभल जा, बता चैन खोलनी चाहिए, चैन खोलनी चाहिए, बता जल्दी बता, बता। नहीं, बोलना। कोई पूछे तेरी माँ कहाँ पर है, उनसे क्या कहेगा? कहूँगा कि माँ मर चुकी है। सही जवाब, मेरी ही औलाद है, आजा बेटा। इंसान नहीं हैवान हो तुम। यही वो लड़का है मैडम, मैंने इसे कहा था कि माँ या पापा को एनुअल डे पर लेकर आना, लेकिन देखिए हमेशा बहाने बनाता रहता है, कोई नहीं आता इसके घर से। अब आप ही इसे कुछ समझा सकती हैं। बेटा क्या तुम्हारी माँ मर चुकी है? क्या हुआ बेटा, ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हो तुम? अपनी क्लास में जाओ। तुम एक बार इसके घर जाकर खुद पता करो कि आखिर सच क्या है। ये कुंडी कैसे टूटी? माँ सच में किसी के साथ भाग गई? अरे वो इंसान नहीं, हैवान है। मैडम वो आया तो तुम्हें भी मार डालेगा, मेरी फिक्र बिल्कुल भी मत करो, इसी वक्त यहाँ से चली जाओ तुम। इतने सालों से तुम्हें इस नर्क में कैद करके रखा गया था, मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं तुम्हें आजाद करके रहूंगी। माँ पापा के बारे में ऐसी बातें मत करना। जरूर करूंगी, तेरा बाप एक पागल है, सिर्फ पागल ही नहीं, साइको साइको साइको, और तुम्हें भी बना दिया। पापा वो किसी और के साथ भागने की सोच रही थी, आपके बारे में बहुत उल्टा सीधा बोल रही थी, तो मेरा खून खोल उठा। तो अब समझ में आया इतने सालों तक रेणुका को चैन से क्यों बांधा था? पापा वो किसी और के साथ भागने की सोच रही थी, आपके बारे में बहुत उल्टा सीधा बोल रही थी, तो मेरा खून खोल उठा। तो अब समझ में आया
इतने सालों तक रेणुका को चैन से क्यों बांधा था? आज के बाद किसी औरत पे विश्वास नहीं करूंगा। मेरी असली औलाद है तू। डॉक्टर राम, आई एम डॉक्टर जॉर्ज, शी इज माई वाइफ मारिया। हम न्यूजीलैंड से हैं। हमारे साथ न्यूजीलैंड आना चाहोगे? बिना सोचे हाँ कर दो, तुम्हारा अच्छा ख्याल रखेंगे। आश्रम आए हुए 6 महीने हो चुके हैं। मैं कौन हूँ, कहाँ से हैं, इन सवालों से परेशान हो चुका हूँ। अब आप भी यही सब पूछने के लिए मुझे बुलाए हैं क्या? नो, हम तुम्हारा पास नहीं पूछेंगे, हम कुछ नहीं जानना चाहेंगे। आज से तुम मेरे बेटे हो। खुश हो ना मारिया? आइए साइन कीजिए। बेटा। पापा। तेरे पापा तुझे मिलने न्यूजीलैंड आएंगे। ठीक है पापा। डॉक्टर जॉर्ज, इसे एक महान डॉक्टर बनाना अब आपकी जिम्मेदारी है। दर्शन अब हमारा बेटा है, मैं इसे अपने से बड़ा डॉक्टर बनाऊंगा। थैंक यू डॉक्टर। कम माय सन। कम माय सन। एज अ डॉक्टर मैं समझ गया था कि वो एक साइकोपैथ है और इस बीमारी को एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं। इसे सही मायने में समझाऊं तो वो एक तरह का साइको किलर है। पता है, लाइफ में मैंने एक से एक क्रिमिनल्स देखे हैं, लेकिन इतनी विकृत मानसिकता आज तक नहीं देखी। इतनी बेरहमी से उसने अपनी माँ को मार डाला, कोई लड़की उसके साथ कैसे रह सकती है? देखने में तो कितना सीधा है, पर वो एक साइको किलर है। आज के बाद मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहती। नागमती, ज्योतिषी ने बताया है तुम्हारा नाग दोष समाप्त हो चुका है, तुम्हारा बुरा समय पीछे छूट चुका है। तुम बिना किसी संशय के भारत जा सकती हो, लेकिन हमारे राज्य के लोग तुम्हारे अंदर रानी मंगम्मा देवी की छवि ढूंढेंगे, इस बात का ध्यान रखना। अपने लोगों के बीच लौट कर मैं बहुत ज्यादा खुश थी। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो पागल भी वही पहुंच जाएगा। तेरे पिताश्री जिंदा होंगे तब आएंगे ना। नहीं डॉक्टर, नहीं डॉक्टर। पापा, याद है मुझे कैसे किस किया था तुमने? दिल घायल करके रख दिया मेरा। तड़प रहा हूँ तब से मैं। कहा वैसा कर दिया है, ध्यान से। बेटा ख्याल रहे कोई देख ना ले। उठाओ इसे, उठाओ उठाओ। जोर लगा। पुशिट पुशिट। सिर्फ आधा घंटा बेहोश रहेगी पापा। चलिए पापा, अब आगे क्या प्लान है? याद है ना, तेरी माँ को मैंने पूरे 14 साल तक चैन से बांध कर रखा, खुद एक राजा की तरह जिया। ठीक उसी तरह तेरी होने वाली बीवी नागमती को उसी महल के तहखाने में लेकर जाना, उसे जंजीरों से बांध कर रखना, राजा बन के जीना। नागमती, हाँ, मेरे पास है। दूर रहो मुझसे, हाथ मत लगाओ मुझे। बिना इजाजत के छूंगा नहीं मैं तुझे, लेकिन तब तक तुझे इसी तहखाने में रहना पड़ेगा, समझ गई? यही तेरा महल है, तुझे गिड़गिड़ा कर भीख मांगने पे मजबूर कर दूंगा मैं। आ जाओ दर्शन, मुझसे शादी कर लो,
मैं पूरी तरह से तुम्हारी हूँ, मुझे इस्तेमाल करो, हम 8-10 बच्चे पैदा करेंगे, ऐसा ही बोलोगी एक दिन, बोलोगे ना? जी, मर जाऊंगी पर तुम्हारा सपना पूरा नहीं होगा। तू जानती है आज तक जाकर भी मैंने तुझे हाथ क्यों नहीं लगाया है? क्योंकि तुझे जान से ज्यादा चाहता हूँ, इस दुनिया में मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। ये कसम मेरी तुझे। मुझे। यही है मेरी कहानी। ये सब सुनने के बाद तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो जरा उस कमरे को देखो, यहाँ जो कुछ भी हुआ है सिर्फ उसकी वजह से। ठीक है। लगता है महारानी ने दौलत की लालच में और अपने वैशीपन में इन सब की लाशें गिरा दी। तुझे लगा ये तुझे बचा लेगा? तू जानता है तू जेल कैसे पहुंचा? तेरे बाप के दोस्त मानिकवेल की बेटी कैसे गायब हुई पता है? उसे मैंने किडनैप किया, जानता है क्यों? क्योंकि उसकी हाइट, वेट, बॉडी सब कुछ नागमती से मैच करता था। ए, नागमती, ए, देख देख देख, डुप्लीकेट नागमती देख ले, देखा ना? हाँ देखा, मान दिया ना मेरे हुनर को? पूरे 6 महीने की मेहनत लगी है उसे तुम्हारा चेहरा देने के लिए। किसी बेवकूफ ज्योतिष ने लिखा था नाग दोष की एक कहानी, उसी अंधविश्वास और पागलपन की वजह से तुम्हारे पूरे वंश का अंत होने जा रहा है ना? लेकिन जो खेल इस दर्शन ने खेला, दावा है कि सदियों तक ये राज कोई नहीं जान पाएगा। मानिकवेल की बेटी थी, असली नागमती को मैंने अपने इस तहखाने में कैद कर लिया और उसका मन बदलने की कोशिश करता रहा। सबका ध्यान इस केस से भटकाने के लिए मैंने तुझे अपना निशाना बनाया। स्टूडेंट्स, यस मास्टर, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। और उसके लिए मैंने तेरा पूरा टाइम टेबल निकाला। Excuse me? हाँ? जी मैं हूँ राहुल। तब मुझे पता चला कि राधिका नाम की कोई लड़की है जिससे तू बहुत प्यार करता है। मैं समझ गया था कि मुझे राहुल से मिलना चाहिए। ए राहुल। हाँ? यहाँ। जी बोलिए। अरे रुको प्रिया, क्या है? तुम आज अकेली आई हो, तुम्हारी फ्रेंड नहीं आई? अब से मैं उसके साथ नहीं रहूंगी, तीरंदाजी का मास्टर है ना, मुझे भी चाहता है उसे भी चाहता है, सोच लिया है आज एक बड़ा तीर मारने वाली हूँ। ये क्या निकाल रही है? ये क्या है? लव लेटर, जिसमें लोग अपने दिल की बात कागज पर लिखते हैं। एक बार अगर इसे कोई पढ़ ले तो वो दीवाना हो जाता है। एक तीर से 2 शिकार हो गए। क्या हुआ, तुम कुछ कह रहे थे? तेरा रोमियो ऑफिस में, जाके मिलो उसे। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, चलती हूँ। हे ऊपर वाले, मेरी किस्मत में एक भी लड़की नहीं है। हाँ ठीक है मैं कॉल करता हूँ। ओके, एक्सक्यूज मी मास्टर। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करता हूँ। यस, क्या बात है? मेरा नाम प्रिया है। ओके, राधिका की बेस्ट फ्रेंड हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? राधिका आपसे प्यार करती है, उसका लव एक्सेप्ट कर लीजिए।
उसने आपके लिए लव लेटर भेजा है। अच्छा, लव लेटर? जी हाँ मास्टर। कल ये चैप्टर मैंने क्लोज कर दिया था ना। इस कॉलेज में मैं इश्क की ट्रेनिंग देने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि अच्छे तीरंदाजों को पहचान कर उन्हें तराशने के लिए आया हूँ। ये सारी बातें तो पागलपन वाली हैं। तुम उसके दोस्त हो ना, तो उसे जाकर ये बात समझा दो। अब तुम जा सकती हो। मास्टर एक बार तो पढ़ लीजिए। गेट आउट। राहुल को लगा कि प्रिया को तुझसे प्यार है तो वो आग बबूला हो गया। मैंने उसे इस्तेमाल किया प्रिया को किडनैप करने के लिए। मुझे छोड़ दीजिए सर। प्रिया को मैंने 3 दिन तड़पा तड़पा कर टॉर्चर किया। तेरे बाप को प्रिया के खून के इल्जाम में फंसाने का इंतजाम किया। सर, प्रिया की बॉडी मिल चुकी है सर। तो विक्रम, ये सुसाइड है या मर्डर? सर, जो एविडेंस मिले हैं उससे लग रहा है उससे रात में उसे मार के फांसी पे लटका दिया गया था। वाकई? सबूत तो ये कह रहे हैं सर, मुजरिम हमारे ही डिपार्टमेंट से है सर। ये क्या कह रहे हो? ये देखिए सर, रख दो इसे। ओके सर। लेकिन डिपार्टमेंट से है, इसका क्या प्रूफ है? एक मिनट सर, ला दो। लीजिए सर। सर ये देखिए, ये कपड़ा हमें इस बॉडी से मिला है सर। इसका मतलब डीएसपी भूमि नाथन ने उसकी हत्या की है क्या? 100% सर। सिर्फ इतना ही नहीं सर, मुजरिम जूते पहन के अंदर आया था और जूतों का साइज 12 इंच है। और जब हम एविडेंस की तलाश कर रहे थे तो हमें ये सिगरेट के बट्स भी मिले हैं सर। और ये सिगरेट डीएसपी भूमिनाथ ही पीते हैं, वही ब्रांड है ये। बदकिस्मती से बाप के बजाय उसके इस बेटे को जेल जाना पड़ा। बोलिए। सर को बुलाओ। वो तो कल रात को ही 8 बजे की ट्रेन से माँ का श्राद्ध मनाने के लिए गया निकल गए हैं। कुछ काम था क्या उनसे? तू पुलिस वालों से ही झूठ बोल रहा है। आज सुबह 4 बजे प्रिया नाम की लड़की की हत्या की उन्होंने, हमें मत बहका। आपको गलत फहमी हुई है, वो मैंने किया। मैं और राधिका एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन प्रिया को ये बात मंजूर नहीं थी। दरअसल उसने हमारी कुछ फोटोज ली थी और शादी के लिए वो मुझे ब्लैकमेल करने लगी। मैंने बहुत बार समझाया उसे लेकिन वो नहीं मानी। मेरी समझ में नहीं आया कि क्या करूं। मैंने डराया धमकाया लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं सुना। बहुत ही ढीठ थी वो, तो मैंने गुस्से में आकर उसे मारकर रस्सी पर लटका दिया। और तेरा बाप तो ढीठ निकला, इसलिए मैंने अपने पापा से कहकर तेरे बाप का इस महल में ट्रांसफर करवाया और अब उसे बचाने तू यहाँ पहुँच गया। इस महल के एक एक राज जान गया। मुझे जाने दो प्लीज। डॉक्टर ने तेरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। अब पता कि मानी गोयल की बेटी के साथ तूने क्या किया? उसे तो मार दिया था। इसकी इकलौती बेटी शिवानी को प्लास्टिक सर्जरी करके उसे नागमती की शक्ल दी, उसे किडनैप करके शिवानी की जगह वहां पर रखा। मेरी बेटी को मार दिया? कहाँ है तेरा बेटा? इस वक्त नागमती महल में है। चल निकाल। ओके। निकाल। शुक्रिया। शूट कर दे इसे। कुछ और मत सोच, अभी मार डाल इसको। राधिका बोल रही हूँ। उसने सारी बातें सुन ली थी, उसे तो कसाई की तरह मैंने काट दिया। आ, 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 आ,
चाबी देगा ना तो भी यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाएगा। इसे देखो, इसे खास अमेज़न के जंगलों से मंगवाया है मैंने। खतरनाक अजगर, सिवाय जानी पहचानी शक्ल के ये सबको डस लेता है। जानता है कितना लंबा हो जाएगा? 7 फीट का। जहाँ भी रखोगे 3 किलोमीटर दूर तक लोगों का शिकार कर सकता है ये। उन्हें निगल जाएगा। मेरा राक्षसी सांप केवड़े की गंध सुनकर तुझ तक पहुंच ही जाएगा। अब मैं तुम्हें समझ चुकी हूँ। केवड़े की गंध से तुम नाग को कैसे बुलाया करते थे? कितने लोगों को मारा है तुमने? इतने सालों में कितने लोगों को निगल गया है तू? कितना बड़ा शैतान है तू? ये हम जिंदा नहीं बच पाएंगे। ये हमें नहीं छोड़ेगा। तुम चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। चलो। पूछे बिना महल में पुलिस कैसे जा रही है? पता नहीं सेनापति जी। कौन हो तुम? मैं नागमती हूँ। मैं जिंदा हूँ। यहाँ की राजकुमारी हूँ मैं। राजकुमारी जी, हुआ क्या था आपको? आप अभी तक जिंदा हैं? जी सेनापति। डॉक्टर दर्शन ने मुझे कैद करके रखा था, वो भी कई सालों से। दर्शन कहाँ पर है अभी? अंदर उसकी लाश है। एक फरिश्ते ने आकर मुझे बचा लिया। मुझे आजाद करवाने के बाद पता नहीं वो कहाँ चला गया। वो दिखने में काफी हद तक आपके जैसा था। जो गलतियाँ की मैं उसकी माफी चाहता हूँ राधिका।